डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग। स्टार्ट करने के पहले एक चीज़ बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है, वो ओपन करके रखना। क्वेश्चन सामने नहीं है, समझ में नहीं आएगा, इसलिए क्वेश्चन रखिएगा सामने। तो आगे बढ़ते हैं। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग चैप्टर का नाम है। इसके अंदर जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग के जो बेसिक अकाउंट्स होते हैं वो हम सीखेंगे वन बाय वन। तो आज हम पहला अकाउंट सीख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्या होता है वो समझा रहा हूँ। तो इस अकाउंट को समझने के पहले एक इलेवंथ की बात याद दिलाऊं। इलेवंथ में हमने एक चैप्टर पढ़ा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले हम बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट उसके अगले अकाउंट में ट्रांसफर होता था, पीएनएल अकाउंट में। फिर पीएनएल अकाउंट से कैलकुलेट होता था नेट प्रॉफिट, और वो नेट प्रॉफिट कैपिटल में जाके ऐड हो जाता था। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। क्यों? क्योंकि इलेवंथ में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने सीखा था वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंट था, सिंगल ऑनर का एक अकाउंट था। प्रॉफिट को डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जो भी नेट प्रॉफिट है वो जाके कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता था, जाके कैपिटल में ऐड हो जाता था। एक ही मालिक के बिजनेस का डिवाइड काय को करना। लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो पार्टनरशिप अकाउंटिंग है, यानी कि जहाँ पर एक से ज़्यादा ऑनर से, एक से ज़्यादा प्रोप्राइटर से बिजनेस के प्रॉफिट को डिवाइड करने की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पे एक तीसरा अकाउंट भी बनता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बाद, और वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें प्रॉफिट को डिवाइड करते, डिस्ट्रीब्यूट करते, अप्रोप्रिएट करते, अलोकेट करते, जो भी बोल दो। तो प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए ये अकाउंट बनता है। जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से कितना प्रॉफिट किसको देना है, प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा, वो सब चीज़ों की अकाउंटिंग इस अकाउंट के अंदर होती है। तो ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है ये देखते हैं, उसका फॉर्मेट कैसा होता है पहले ये देख रहे हैं। तो ये है पीएनएल अकाउंट अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। तो पहले ये फॉर्मेट बना लो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। फॉर्मेट में ध्यान देना कि जो हेडिंग है वो तीन लाइन में है, अगर दो लाइन में लिखा तो रॉन्ग हो जाएगा। वो पहली लाइन में पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखेंगे तो दूसरी लाइन में आएगा फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेट है, और थर्ड लाइन में आता है DRNCR। ठीक, अब ये अकाउंट कैसे बनता है एक क्वेश्चन के थ्रू समझ रहे हैं। तो ये रहा क्वेश्चन, पढ़ते हैं। अमर, अकबर एंड एंथनी और पार्टनर्स विथ प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ 3:2:1। पार्टनर्स का शेयरिंग रेशियो जो है वो 3:2:1 है, यानी पार्टनर्स ने एग्रीमेंट किया है कि जो भी प्रॉफिट होगा वो तीनों पार्टनर्स डिवाइड करेंगे 3:1 के रेशियो में। तो प्रॉफिट कैसे डिवाइड होता है, एंट्री कैसे होती है, जब प्रॉफिट आएगा तब मैं बताऊंगा। फिलहाल आगे, ऑन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर देयर कैपिटल वर ₹2,01,50,000 रिस्पेक्टिवली। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है, ये उनके इंडिविजुअल अकाउंट में जाएगी। ये कैपिटल है, कैपिटल पार्टनर्स में डिवाइड नहीं होती है, प्रॉफिट पार्टनर्स में डिवाइड होता है। हम जो अकाउंट बना रहे हैं वहाँ पर हमको प्रॉफिट डिवाइड करना है, कैपिटल नहीं। कैपिटल तो उनके इंडिविजुअल अकाउंट में जाएगी। उनके इंडिविजुअल अकाउंट कैसे बनते हैं वो आने वाले डेज में मैं उनका एक इंडिविजुअल लेक्चर लेके उसमें समझाऊंगा। तो फिलहाल यहाँ कैपिटल इस अकाउंट में नहीं आएगी, पर इसका यूज़ है आने वाले लाइनों में, क्या यूज़ है वो समझाऊंगा वहाँ पे। आगे, प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस लेक्चर का मेन थीम ही हमारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। सिर्फ एक ही पॉइंट को कवर कर रहा हूँ मैं यहाँ पर कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। एक छोटी सी बात सिर्फ पूरे लेक्चर में कवर करेंगे हम, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। तो प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018। ये अकाउंट कौन से ईयर के लिए बन रहा है, 31 मार्च 2018 को एंड होने वाले अकाउंट के लिए। और ये जो डेट होती है, ये डेट अब हेडिंग में जरूर जरूर लिखी जाती है, ये याद रख लेना ना। और सेकंड लाइन में आती ये भी याद रख लेना, डेट जरूर लिख लेना, अगर नहीं दिए तो बात अलग है, दिए तो लिखना ही है। फिर आगे, द पार्टनर्स एंटाइटल एजेंडर। अब पार्टनर्स को क्या क्या चीज़ें मिल रही है, क्या क्या चीज़ों के लिए वो एंटाइटल थे वो हम समझेंगे।
पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड, एज अंडर पार्टनर किन की चीज़ों के लिए एंटाइटल्ड है यानी उन्हें क्या क्या मिलना है वो आगे दिया हुआ है। तो पहला पॉइंट, पार्टनर्स को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस रेट से मिलेगा? 12% की रेट से मिलेगा। ये पॉइंट बहुत ही ध्यान से समझना, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो बात पक्की है कि एक घंटे का क्वेश्चन आधे घंटे में हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप एक घंटे में चार घंटे कम से कम लगा लेना, नहीं आएगा तुमने, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं, लगाओ जितना टाइम लगाना है, कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए कंसेप्ट एक एक समझेंगे हम, भले कितना भी टाइम लगे। तो पहला कंसेप्ट समझा रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो इंटरेस्ट तो मिलता है एक्सटर्नल्स को, पार्टनर्स कोई एक्सटर्नल नहीं है, वो तो इंटरनल है, वो बिजनेस के मालिक के। वो तो इंटरेस्ट कभी भी इंटरनल लोगों को नहीं मिलता, इंटरेस्ट मिलता है एक्सटर्नल लोगों को। अगर हम अपने पापा से 5,000 रुपीज उधार लें और कहे कि दो दिन बाद दे देंगे, तो पापा क्या हमसे इंटरेस्ट लेंगे? नहीं लेंगे। लेकिन कोई एक्सटर्नल आके, बाहर का कोई पर्सन आके पापा से उधार पैसे मांगे तो पापा उनसे इंटरेस्ट लेंगे। इंटरेस्ट किससे लिया जाता है? बाहर के लोगों, तो एक्सटर्नल से। हम तो पापा के अपने हैं, हमसे सॉरी, हम तो इंटरनल हैं, घर के ही मेंबर हैं, हमसे सॉरी लिया जाएगा। तो पार्टनर्स तो बिजनेस के इंटरनल लोग हैं, बिजनेस के मेंबर हैं, वो इंटरनल फैमिली के मेंबर हैं, उनको सॉरी इंटरेस्ट मिलेगा। तो फिर यहाँ पे इंटरेस्ट क्यों मिल रहा है? अब उसका कंसेप्ट समझा रहा हूँ। एक्चुअली ये इंटरेस्ट है ही नहीं, ये इंटरेस्ट के नाम पर कुछ और चीज़ है, ये इंटरेस्ट है ही नहीं। ये कंसेप्ट समझ लेना अच्छी तरह से, ये इंटरेस्ट नहीं है, ध्यान से सुन लेना। ये इंटरेस्ट नहीं है तो फिर क्या है? इंटरेस्ट के नाम पर क्या दिया जा रहा है वो समझा रहा हूं। देखो, पार्टनर्स ने एग्रीमेंट किया है कि जो भी प्रॉफिट होगा 3:2:1 में डिवाइड होगा। अब सभी पार्टनर को बिजनेस में कैपिटल लगानी है। हर पार्टनर के मन में आएगा कि मैं बिजनेस में पैसा क्यों लगाऊं, और लगाऊं तो ज्यादा क्यों लगाऊं? जो प्रॉफिट होना है वही होना है, और जो होना है सब में डिवाइड होना है, तो मैं पैसे क्यों लगाऊं? हर पार्टनर ये बोलेगा मेरे पास तो इतने ही पैसे, मैं इतने ही इन्वेस्ट कर सकता, ज़्यादा है ही नहीं मेरे पास, क्योंकि इंटरनली जानता है कि मैं क्यों दूँ बिजनेस को पैसे। प्रॉफिट तो उतना ही, जो भी होगा सब में डिवाइड होगा, मेरे को अकेले को थोड़ी मिलेगा, रेशियो बिक से उसी रेशियो में मिलेगा, फिर कोई लगाएगा नहीं। तो पार्टनर्स को मोटिवेशन चाहिए, इंसेंटिव चाहिए, सो दैट वो फर्म में पैसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें। इसलिए पार्टनर्स के बीच में कई बार एक एग्रीमेंट बनता है कि भाई जितना भी हम कमाएंगे, पहले जिन लोगों ने जितनी कैपिटल लगाई है उसके ऊपर एक एक्स परसेंट सभी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा, फिर जो बचेगा वो सब में डिवाइड होगा एज पर एग्रीमेंट 3:1 के रेशियो में। ये बात कौन सी बोली मैंने, क्या बोली, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। इसलिए पार्टनर्स में अक्सर एक एग्रीमेंट होता है कि भाई हम जितना भी हम पैसा बिजनेस में लगाएंगे उस पैसे का एक फिक्स परसेंटेज सभी को मिलेगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट रहेगा वो, और बाद में जो बाकी का बचेगा वो सब में डिवाइड होगा जो एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि यहां पर 3:1 का रेशियो है। तो ऐसे में पार्टनर्स मोटिवेट होंगे बिजनेस में पैसा लगाने के लिए कि मैं पैसे ज्यादा से ज्यादा बिजनेस में लगाऊंगा तो मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। तो इसलिए ये दिया जाता है, यानी इंटरेस्ट कैपिटल पार्टनर्स के लिए इंसेंटिव है, पार्टनर्स के लिए मोटिवेशन है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाए, इसके लिए दिया जाता है। यानी इंटरेस्ट कैपिटल एक्चुअली इंटरेस्ट कैपिटल वो इंटरेस्ट नहीं है, वो इंसेंटिव है, ये बात समझ लेना, एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, ये समझ लेना। तो अगर ये इंटरेस्ट होता तो ये तो एक एक्सपेंसेस हो गया, पीएनएल अकाउंट के डेबिट में जाता। हम यहां पीएनएल अकाउंट नहीं बना रहे, हम तो पीएनएल अकाउंट के बाद बनने वाला पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। वहां तो प्रॉफिट का बंटवारा होता है, कोई इनकम एक्सपेंस उसमें नहीं लिखे जाते, वो तो पहले पीएनएल अकाउंट में आ गया, उसके बाद नेट प्रॉफिट निकल गया। तो ये इंटरेस्ट अगर होता, एक्सपेंसेस होता, तो पीएनएल अकाउंट में जाता, हम यहां लिखते ही नहीं। पर ये तो सब पार्टनर्स को मिलने वाला एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट का बंटवारा है, किसको कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा सबको देते जाओ, जो लास्ट में बचेगा वो 3:1 का एग्रीमेंट है उसमें डिवाइड कर लेंगे। तो ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन है। इसलिए ये इंटरेस्ट कैपिटल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। तो कैसे लिखते हैं, आओ अब वो समझते हैं। तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में सब जने लिखें टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीन पार्टनर हैं, अमर, अकबर
एंथनी। क्वेश्चन में अगर पढ़ोगे तो फर्स्ट पैरा में पार्टनर अमर की कैपिटल दी हुई है 2 लाख और फर्स्ट पॉइंट में इंटरेस्ट की रेट दी हुई है 12%, 2 लाख का 12% 24,000, अकबर के लिए 1 लाख का 12% 12,000, अमर के लिए 50,000 का 12% 6,000 और तीनों का टोटल 42,000 बाहर लिख दिया, ये हमने 42,000 फटाफट लिख लीजिए, आगे समझ रहे हैं हम और क्या देना है पार्टनर्स को। देखें तो सेकंड पॉइंट, सैलरी टू अमर 10,000 पर मंथ एंड टू अकबर 80,000 पर एनम। अब पार्टनर्स को सैलरी देनी है, बात वापस से वही कि भाई सैलरी तो एम्प्लॉइज को दी जाती है, पार्टनर्स को एम्प्लॉइज थोड़ी है बिजनेस के, वो तो मालिक है बिजनेस के, ऑनर से प्रोप्राइटर है बिजनेस के, और प्रोप्राइटर को कभी भी सैलरी नहीं दी जाती। तो फिर यहाँ पर पार्टनर को सैलरी क्यों मिल रही है वो समझा रहा हूँ। एक्चुअली सैलरी नहीं है ये, सैलरी के नाम पर पार्टनर्स को मिलने वाला एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। तो ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट सैलरी के नाम पर, सैलरी के नाम पे क्यों और क्यों एक्स्ट्रा तो क्यों वो समझा रहा हूं। देखो मान लो अमर अकबर एंथनी तीनों पार्टनर रोज शॉप पे 10 बजे आते हैं और सभी एम्प्लॉइज भी 10 o'clock पे आते ही है। अब होता यह कि 10 o'clock पे सब जने शॉप पे आते हैं, शॉप खुलती है, पहले तो स्वीपर 2 घंटे तक सफाई करता है, उसके बाद में सब लोग अपना काम शुरू करते हैं। तीनों पार्टनर ने मिलकर सोचा कि यार ये तो रोज 2 घंटे सभी के वेस्ट हो जाते, पहले ही टाइम की कमी, रोज 2 घंटे खड़े रहो ऐसे ही शॉप की क्लीनिंग होगी फिर काम शुरू होगा, क्यों ना एक पार्टनर रोज जल्दी आ जाए, हम क्लीनिंग के वाले एम्प्लॉइज को भी स्वीपर्स को भी थोड़ा जल्दी बुला लेंगे और जल्दी सफाई हो जाएगी, 10 बजे सब लोग आएंगे और काम पे लग जाएंगे। अब कौन जल्दी आएगा? तीनों पार्टनर के मन में क्या है कि भाई प्रॉफिट जो भी होगा वही होगा, सभी को जो रेशो है उसी में मिलना है, प्रॉफिट तो उसी रेशो में फिक्स डिवाइड होगा, मुझे कौन सा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा जो मैं जल्दी आऊँ, हर पार्टनर यही सोचेगा। फिर तीनों पार्टनर बोलेंगे मैं तो नहीं आ सकता, मेरे को तो काम है, कोई नहीं आएगा। फिर बात कैसे बनेगी? अब वो बिजनेस के मालिक की शॉप तो उनको आके खोलनी, उसके बाद स्वीपर आके उसकी सफाई करेगा, क्या करें? तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि भाई जो भी जल्दी आएगा उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा, जो भी लास्ट में ईयर के एंड में जितना भी प्रॉफिट है जो जल्दी आता है उसको पहले एक्स्ट्रा प्रॉफिट उसको, फिर बचा हुआ सब में डिवाइड होगा, कोई ना कोई आएगा। अब जिसने भी डिसाइड किया और कितना देना है वो पहले से डिसाइड हो जाएगा, तो उसकी एक्स्ट्रा मेहनत है, इसलिए एक्स्ट्रा, तो मेहनत के बदले में जो एक्स्ट्रा दिया जाता है दैट इज सैलरी। तो ये पार्टनर्स को उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करी होगी इसके लिए उनको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, ये कुछ एग्रीमेंट हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग दिया जा रहा है, ठीक। तो ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट है पार्टनर, यानी ये भी प्रॉफिट में से ही दिया जा रहा है, यानी ये भी प्रॉफिट का बंटवारा है, यानी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन है, इसलिए इसको अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आना है, यानी ये सैलरी नहीं है, ये तो पार्टनर्स को मिलने वाला इंसेंटिव है। इज इट? तो लिखें अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में टू, अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में टू सैलरीज, अमर, अमर की सैलरी 10,000 नहीं है, पढ़ के देखो 10,000 पर मंथ है, तो 10,000 इंटू 12, ऐसे ही अकबर, अकबर की 80,000 सैलरी पूरे साल भर की पर एनम है, पूरे साल भर की 80,000 फिक्स सैलरी है उसकी, तो 80,000 टोटल कितना लिखेंगे? 2 लाख रुपीस, ये हमने लिख दिए, ये 2 लाख रुपीस सैलरी हमने लिख दी। अब आगे पढ़िए और क्या देना है। तो थर्ड पॉइंट है कमीशन 5% ऑन सेल टू एंथनी, एंथनी ने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के बिजनेस की सेल बढ़ाई होगी इसलिए एग्रीमेंट के हिसाब से उसको 5% कमीशन देना है, सेल का 5%। तो सेल कितनी है? क्वेश्चन की लास्ट लाइन में पढ़ के देखो, लास्ट पर लास्ट लाइन, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 10 लाख, तो 10 लाख का 5% एंथनी को देना है हमको, तो लिखें टू एंथनी, एंथनीस कमीशन 10 लाख का 5%, 50,000, तो ये 50,000 दे दिया हमने। अब अगला कंसेप्ट समझा रहा हूं, बहुत ध्यान देके सुनना इस कंसेप्ट को भी, जो भी फर्म की अर्निंग होगी ना, जो भी फर्म की प्रॉफिट होगा ना,
वो यहाँ पे क्रेडिट में आएगा, और उसमें से जो जो हम पार्टनर्स को देते जा रहे हैं वो सब हम डेबिट करते जा रहे हैं। ये पहली बात मैंने बोली, जरा समझ लेना बात को, हर वर्ड मेरा आने वाले क्वेश्चन पे इफेक्ट डालेगा। जितनी चीज़ें भूलोगे उतने उतना आने वाले क्वेश्चन टफ होते जाएंगे, और जितनी चीज़ तुम्हारे माइंड में याद रह गई उतना ज़्यादा आने वाले क्वेश्चन तुम्हारे लिए ईजी बनते जाएंगे। तो क्या कंसेप्ट बताया वो सुन लेना, कि जो भी प्रॉफिट होगा वो इस अकाउंट में क्रेडिट में लिख देंगे, उसमें से जो जो हम देते जा रहे हैं वो सब डेबिट में लिखेंगे, और जो जो चीज़ हम डेबिट में लिखते जा रहे हैं जो जो पार्टनर को देना है ये सब उनके इंडिविजुअल अकाउंट में जाके क्रेडिट हो जाएंगे। ये जो जो इंटरेस्ट है, जो सैलरी है, जो कमीशन है, जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखी है, ये सब यहाँ से एक जगह और जाएगी, पार्टनर्स के इंडिविजुअल अकाउंट में जाएगी, और किस साइड जाएगी, क्रेडिट में जाएगी। ये पहली बात मैंने ख़त्म करी। दूसरी बात, जो जो चीज़ें पार्टनर्स को मिलनी है जो उनके अकाउंट में क्रेडिट हुई थी, उसमें से वो जो पैसा निकालेंगे वो, ये इनको देना, उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, अब ये पैसा विड्रॉ होगा। जब वो पैसा निकालेंगे तब वो ड्राइंग के नाम पर उनके अकाउंट में डेबिट होगी। अभी ये पैसा दिया नहीं, ये उनके अकाउंट में जाता जाएगा, क्रेडिट होता जाएगा। फिर जब जिसको जितना चाहिए उतना वो निकाल लेगा पार्टनर। जब पार्टनर बिजनेस से विड्रॉ करेंगे तो वो पैसे को हम क्या बोलेंगे, उस विड्रॉवल को क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। वो उनके इंडिविजुअल अकाउंट में डेबिट करेंगे, किस नाम से, ड्राइंग्स के नाम से। यानी वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट नहीं, ड्राइंग जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट तो ये इंटरेस्ट और कैपिटल और ये सब है, इज इट। इस बात को ध्यान रखते हुए हम आगे का सेंटेंस पढ़ते हैं कि आगे क्या चीज़ दी हुई है। तो थर्ड पॉइंट के बाद वाला पैरा पे आ जाओ, पार्टनर्स विड्रू फॉर पर्सनल यूज एन अमाउंट ऑफ 50,000, 30,000 and 40,000। तीनों पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले, तो ये हो गई ड्राइंग, ये उनके इंडिविजुअल अकाउंट में जाएगी, ये कोई प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ड्राइंग को नहीं लिखते हैं, ये कंसेप्ट समझ लेना। आगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज टू पार्टनर 5,000, 3,000, 4,000 रिस्पेक्टिवली। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस ने पार्टनर्स को दिया था, अब की बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लिया जाएगा, उनको चार्ज किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस ने पार्टनर्स को दिया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लिया जाएगा। तो इंटरेस्ट कैपिटल जैसे डेबिट में आया था, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट में आएगा, और क्रेडिट में सेकंड लाइन में लिखेंगे। फर्स्ट लाइन में क्यों, फर्स्ट लाइन किस चीज़ के लिए छोड़ी वो बाद में समझाऊंगा। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख लीजिए फटाफट, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अमर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दिया हुआ है 5,000, अकबर का है 3,000, एंथनी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 4,000, टोटल 12,000 बाहर लिख लीजिए फटाफट। तो आगे समझते हैं, अगला पॉइंट पढ़ेंगे। पार्टनरशिप फॉर्म अर्न्ड अ प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वर रुपीज 5,20,000। तो इस साल फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ है, 5,20,000। अब इस पॉइंट के बारे में भी समझ लेना अच्छी तरह से, पहला लेक्चर है इस चैप्टर का, हर चीज़ हमारे लिए नहीं है। जितनी चीज़ें आपके माइंड में याद रह जाएगी उतना चैप्टर इजी बन जाएगा, चीज़ें भूल जाते हैं इसलिए आने वाले लेक्चर्स हमारे लिए टफ बनने लग जाते हैं। तो इस साल फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ है, 5,20,000। ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहाँ आएगा और क्यों आएगा और कैसे आएगा वो समझा रहा हूँ। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जो डिफरेंस आता है जिसको ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से लिखते हैं, वो पीएनएल अकाउंट में जाता है, और पीएनएल अकाउंट में कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में फर्स्ट लाइन में लिखते हैं बाय नेट बाय ग्रॉस प्रॉफिट। फिर पीएनएल अकाउंट के डेबिट में जो डिफरेंस आता है नेट प्रॉफिट के नाम से लिखते हैं। पीएनएल अकाउंट के डेबिट की लास्ट लाइन क्या होती है, नेट प्रॉफिट। अब वो नेट प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट से अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट से पीएनएल अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट जाता है, वैसे पीएनएल अकाउंट से पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट जाता है। तो अब हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको लिखेंगे। तो लिखने के पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि 12th में आने के बाद में अब आपको ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्यों नहीं बनाना है, क्योंकि आपको नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिया जाएगा, आपको सीधे तीसरा पार्ट अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और उसमें लिखना है। पर याद रखना कि नेट प्रॉफिट आया कहां से था, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना होगा वहां से ग्रॉस प्रॉफिट निकला होगा, फिर पीएनएल अकाउंट बना होगा वहां से नेट प्रॉफिट निकला होगा, और पीएनएल अकाउंट के बाद हम ये बना रहे हैं, ये जरूर याद रख लेना। पीएनएल अकाउंट कैसे बनता है वो माइंड में जरूर याद रखना कि 11th के कंसेप्ट, क्योंकि उसके सब कंसेप्ट यहां पे लगने वाले हैं। तो
अप्रोप्रिएशन अकाउंट में अब नेट प्रॉफिट कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में और फर्स्ट लाइन में, हमने फर्स्ट लाइन इसके लिए छोड़ी थी, बाय नेट प्रॉफिट बीडी, बाय नेट प्रॉफिट बीडी कितना लिखेंगे, 5,20,000। तो क्वेश्चन पूरा हो चुका है, अब एंड करेंगे। तो जैसे ट्रेडिंग अकाउंट का डिफरेंस ग्रॉस प्रॉफिट होता था, जैसे पीएनएल अकाउंट का डिफरेंस नेट प्रॉफिट होता था, वैसे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो लिखे डेबिट में टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट, ये पूरा वर्ड आता है टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पूरा वर्ड ऐसे लिखना है आपको, टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। ये प्रॉफिट जो भी आएगा अभी हम कैलकुलेट करेंगे, वो तीन पार्टनर्स में डिवाइड होगा, अमर, अकबर एंथनी। तो पहले दोनों साइड का डिफरेंस निकाल लेते हैं। देखो क्रेडिट साइड का टोटल है 5,32,000, उसमें से माइनस करेंगे डेबिट साइड का टोटल, और डेबिट साइड का टोटल है 2,92,000। क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस हो रहा है, तो देख लो कितना आएगा, 2,40,000। अब ये 2,40,000 तीनों में डिवाइड करेंगे, और शेयरिंग रेशियो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में, 3:2:1, 3:1 का टोटल 6। तो पहले वाले पार्टनर को मिलेगा 2,40,000 इंटू थ्री बाय सिक्स, यानी कि 1,20,000। दूसरे वाले को मिलेगा 2,40,000 इंटू टू बाय सिक्स, तीसरे वालों को मिलेगा 2,40,000 इंटू वन बाय सिक्स। ठीक, तो ये हो गया 2,40,000। एग्रीड सभी जने, डिवाइड कर दिया, तो ऐसे बनता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इस लेक्चर के बेसिस पर टीएस ग्रेवाल के 2018 वाले एडिशन में से तीन क्वेश्चन किए जा सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 24। ये तीन क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा।